हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डॉट कॉम दिस इज तुषार डिस्कसिंग अवर टॉपिक दैट इज डिस्कसिंग टुडे सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए टू सब्सक्राइब आवर चैनल लाइक आवर वीडियो एंड शेयर विद फ्रेंड्स सो लेट्स स्टार्ट तो आज हम पढ़ेंगे क्या बी डिस्कसिंग एक्सपेरिमेंटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ क्या है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है कंजर्वेटिवली ठीक है और डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी और एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं तो रेप्लिकेशन स्कीम फॉर पहले थोड़ा सा यहाँ से रीड कर लेते हैं उसके बाद देखता है कि क्या रेप्लिकेशन स्कीम फॉर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए एन एम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन तो ये प्रपोज किसने किया था वैसे सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने किया था ठीक है पर ये लोग प्रूफ नहीं कर पाए थे प्रूफ किसी और ने किया तो जिसने प्रूफ किया उसके बारे में हमें देखना है आज तो इन्होंने इतना तो बता दिया था कि जो दो स्ट्रेंड्स हैं दे एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन मतलब जैसे ये दो स्ट्रैंड है ये ये दो स्ट्रेंड हैं तो ये अगर जो अगला वाला बनेगा हमारा तो ये दोनों उसके लिए टेम्पलेट तरह एक्ट करेंगे एक यहाँ पर आ जाएगा ऐसे ये तो पेरेंट ये पेरेंटल है ये दोनों पेरेंटल है ना ये दोनों तो ये पेरेंटल एक पेरेंटल यहाँ पे आ जाएगा इसका एक बनेगा फिर दूसरा वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा उसका एक बनेगा मतलब टेम्पलेट मतलब साथ में साथ में साथ देंगे उसका अगले वाले को बनने के लिए ठीक है, वन वन है कि एक हर के पास क्या होगा एक तो पेरेंटल वाला है और एक हमारा वो जो बना है ठीक है दो हो गए ना फिर पेरेंटल वो ऐसे चलो ये तो बेसिक बात है अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखते हैं कि डी एन ए रेप्लीकेट सेमी कंजर्वेटिवली ये तो क्या दिया आपने अभी से पता कैसे चलेगा हमें कि सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लीकेट करता है डी एन ए चलो देखते हैं तो इसमें क्या हाँ देखो पहले आपको बता देता हूँ एक ओवर व्यू दे देता हूँ हाँ, तो देखो क्या हुआ हमारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ठीक है तो इन्होंने लिया एक तो लिया एन फिफ्टीन एन फिफ्टीन एक सेकेंड और एक एन फोरटीन एन एच फोर सोलू एन एच फोर का सोल्यूशन था ठीक है तो हुआ एन फिफ्टीन जो होता है ना हमारा बहुत हैवी आइसोटोप होता है हाइड्रोजन वो नाइट्रोजन का बहुत हैवी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का तो जैसे इसमें कोई चीज़ डाल हो गए तुम तो वो भी ऑब्वियस सी बात है वो भी हैवी हो जाएगी और नीचे नीचे बैठ जाएगी तो हमारे इन्होंने ये तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है कि ये क्या होता है एन फिफ्टीन हमारा बहुत हैवी आइसोटोप है और एन फोरटीन का ही है ठीक है तो आप देखते हैं इन्होंने किया क्या ये इन्हें रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली तो ये कैसे हुआ देखो ये, ये कोलाई पहले इन्होंने इकोलाई लिया ठीक है बाद में और भी ऑर्गेनिज्म लिए प्लांट्स और ह्यूमन सेल्स पर पहले इकोलाई पर किया ठीक है तो हमारे जिन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट उनका नाम याद रखेंगे हम मेसेलसन और स्टाल ठीक है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया नाइनटीन फिफ्टी एट में इन्होंने प्रूव किया था ये तो इन्होंने क्या किया इकोलाई को ग्रो कराया एन एच फोर सी एल के सोल्यूशन में ठीक है मतलब एक सोल्यूशन नहीं मतलब एक मीडियम कह सकते सोल्यूशन भी कह सकते हो वैसे एक ऐसे ऐसी है इसके अंदर एन एच फोर सी एल था ठीक है इसके अंदर इकोलाई को ग्रो कराया फी काफ़ी टाइम तक मतलब ग्रो होता रहा अगली अगली जनरेशन में वो ऐसा अब जो एन फिफ्टीन हुई लिखा है एन फिफ्टीन मतलब बहुत हैवी एसेट ऑफ हाइड्रोजन कॉट इनकॉवर कॉरपोरेट इंटनसाइज डी एन ए तो इनकॉरपोरेट हुआ वो जो एन फिफ्टीन वाला था ना हमारा जो न्यूली सिंथसाइज डी एन ए था वो एन फिफ्टीन वाले में इनकॉरपोरेट हुआ ठीक है अब ये जो डी एन ए मॉलिक्यूल है ना हमारा इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते थे हमारे नॉर्मल डी से कैसे कर सकते थे ये देखो। ये देखो बताते हैं कैसे कर सकते थे हम। ये है सॉरी तो इन्होंने क्या किया सी 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 एस सी एल का मैंने वो लिया इसमें ये सेंट्री फ्यूकल इसको वो कहते हैं सेंट्री फ्यूबल डिस्टिंगशन तो इसमें क्या हुआ इन्होंने तो उन्होंने एन फिफ्टीन वाला डाला तो वो तो नीचे नीचे सेटल डाउन हो गया क्योंकि तो उसकी डेंसिटी इसको थोड़ा बड़ा कर दे डेंसिटी ज़्यादा थी ये जो एन फोर्टी वाला था वो थोड़ा ऊपर ऊपर हुआ मतलब क्या डेंसिटी ज़्यादा है मतलब मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होंगे है ना तो वो नीचे 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 बैठेंगे जैसे इसमें दिख रहा है यहीं तक बैठे और इस वाले में डेंसिटी कम है तो मोलिकुल लाइटली पैक्ड होंगे तो ये लाइट वाला इधर आ ये एन फोर्टीन वाला है और ये एन फिफ्टीन वाला है ठीक है तो इससे इन्होंने डिस्टिंग यूज किया कि एन फिफ्टीन वाला कौन सा है और ओरिजिनल पेरेंटल कौन सा है इससे तो ये पता चल रहा है हमें तो इन्होंने क्या किया फिर इन्होंने डिस्टिंग कर लिया डी एन ए डेट वॉज एक्सटेक्टेड फ्राम द कल्चर वन जनरेशन अब देखो पहली जनरेशन से जो बीस मिनट बाद हमें पहली जनरेशन मिली उसकी ठीक है अब जो पहला जो अब देखो पहली जनरेशन थी ना उसके बाद उसमें क्या हमने हाइब्रिड मिला मतलब एन फि एन एक तो एन फिफ्टीन स्ट्रेंड हमारा ऐसा था कुछ ये ये है और ये है ये ऊपर वाला एन फिफ्टीन ये वाला दूसरे कलर से करते हैं ये वाला एन फिफ्टीन ये वाला और ये वाला हमारा एन फोर्टीन ठीक है ये हाइब्रिड हो गया ठीक है और इसके अगले वाला जो मिला वो हमें खाली मिला एन फोर्टीन मतलब ऐसे ही करते करते हमें हाइब्रिड मिलते जाएंगे और फिर ऐसे ये ये मिलेगा ऐसा होता तो ठीक तो है इसके अब हमारा क्या हुआ उसके बाद अब अब इक्वल अमाउंट ऑफ दिस हाइब्रिड देखो इस वाले में ये कह रहा है कि क्या कह रहा है हमसे बीस में मतलब आधा ये है आधा ये है तो मतलब इक्वल अमाउंट होंगे तो वही लिखा है यहाँ पे कि हाइब्रिड जो है इक्वल अमाउंट में थे आगे देखते हैं तो यहाँ पे ये लिखा था बस ये जो हमारे हाइब्रिड थे वो हमारे इक्वल अमाउंट में होंगे ठीक है ये हमारे इक्वल अमाउंट में दिस हाइब्रिड कंपोज इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए लाइट डीएनए डीएनए लाइट वाला कौन सा हमारा वो एन फोर्टीन और वो डीएनए वाला हाइड वो कौन सा भारी hmm. वाला कौन सा हुआ हमारा डी एन ठीक है आगे देखते हैं अब वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स वेर कैरिड आउट बाय टेलर एंड कलीग्स ऑन ऑन विशिया एंड फैबा फैबा बीन्स होती हैं इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमेडीन यूज़ किया था सेम रिजल्ट मिले थे इन्हें ठीक है उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है ये खाली रीडिंग के लिए है मतलब कि क्या उसके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उन लोगों ने रेडियो एक्टिव थेमीन पर बस इतना आ जाएगा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या यूज़ करके किया था तो रेडियक्टिव थाइमेडीन लिख देंगे हम ठीक है ये क्वेश्चन आ सकता है और किसने किया था टेलर और कलीग ठीक है अब ये नीचे वो उसका ये मैसेल्सन और स्टाल्स का एक्सपेरिमेंट है नहीं वही है जो मैंने आपको अभी अच्छी तरह बता दिया कि वही क्या बस ये दिख रहा होगा आपको ये एन फिफ्टीन वाला है ये नीचे 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 नीचे, नीचे सेटल डाउन डेंसिटी ज़्यादा है और ये वाला ये हाईब्रिड है लाइट है देखो ऊपर ऊपर तक है काफ़ी है ना अब बीस मिनट बाद ये एन फिफ्टीन का एक मिला एन फोर्टीन का एक मिला उसके बाद ऐसा ही हाईब्रिड मिलते गए देखो एन फोर्टीन एन फिफ्टीन एनब्रिड ऐसा तो वो ये इक्वल अमाउंट में मिलते गए वही सब लिखा है यहाँ जो मैंने बताया आपको नहीं तो मैंने देख लिया अब अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें क्या है डी एन एप्लीकेशन मशीनरी एंड एंजाइम मतलब उसके प्रोसेस में कौन से एंजाइम्स यूज हुए हमारे एनजाइम्स ये होते हैं हमारे जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं जो रिएक्शन को रेट बढ़ा देते हैं बूस्टअप कर देते हैं रिएक्शन को ठीक है तो देखते हैं मेन एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमारा डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम ठीक है यूजेस डीएनए टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डी न्यूक्लियोटाइड्स क्योंकि ये यूज़ करता है डी एन एम टेम्पलेट को पोलिमराइजेशन के लिए ठीक है टू द ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड्स का पोलियमराइजेशन होता है उसको कैटेलाइज करने के लिए यूज़ करता है इसलिए द एवरेज रेट ऑफ पोलराजेशन बाई दीज एम्स अप्रोक्सी टू हंड्रेड टू थाउजेंड बॉन्ड पेड्स पर सेकेंड तो जो पोलराइजेशन poly, poly, पॉलीमराइजेशन की इसकी स्पीड है ना वो इन एंजाइम्स की अप्रोक्सीमेटली अराउंड है दो हज़ार बॉन्ड पेयर्स पर सेकेंड वो करता है पॉलीमराइज ये ठीक है दिस पोलिमराइज हैज़ टू कैटलाइज रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बिकॉज एनी मिस्टेक ये वही लिखा है कि ये सबसे पहले पहले पढ़ा था वो हमने प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में कि क्या ये बहुत कंडीशन uh, में होता है पर्टिकुलर कंडीशन में होता है अगर नहीं होगा तो क्या होगा म्यूटेशन हो सकती है ना मतलब कुछ एंटर कर सकता है कुछ बाहर कुछ मिसिंग हो सकता है तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना हमारे जेनेटिक मटेरियल में तो इसलिए लिखा है यहाँ पे ऐसा अब ये डी एन ए जो पोलियमराइजेशन होता है ना वो एक एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस होती है ठीक है तो जो हमारा डी ऑक्सी जो हमारा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्टाइड न्यूक्साइड होता है ना ट्राइफॉस्फेट तो वो दो दो तरह से काम करता है एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो ठीक है और एक सब्सटेट की तरह मतलब सब्सटेट जो ऐड हो रहा है सब्सटेंस में वो इस प्रिस्पोलियमराइजेशन रिएक्शन में ठीक है तो क्या है कौन करता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्ओसाइड Triphosphates, ये एक्ट करते हैं दो दो परपज पे एक तो सबस्ट फंक्शन आ सकता है ये इसका फंक्शन बताओ तो ये दो लिखेंगे हम एक्ट एज सब्सटेट एंड एनर्जी फॉर पोलेशन रिएक्शन मेनीशनल रिक्वायर्ड इन दिन डी एन एंड मतलब बहुत सारे और एनजाइम होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं पर जो मेन मैन है वो ये है बता दिया आपको आगे देखते हैं थोड़ा सा डी एन ए हेलिकल स्ट्रक्चर खुलता है तो जो वो हिस्सा खुलता है ना वहाँ से जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन कहता से खुलता है ठीक है डी एन एपेंडेंट डी एन ए पॉलीम ये एक डायरेक्शन में होता है या तो फाइव टू तो थ्री होगा या थ्री टू तो फाइव ठीक है इट क्रिएट्स एडिशनल कॉम्प्लीकेशन एट द रेप्लीकेटिंग फॉर्क मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी प्रोसेस होती है ना कट से कर कटली वन सेट देखो ये तो टेम्पलेट तो वही तो लिखा है थ्री डैश टू फाइव डेजी इसके बारे में कह रहा है ये ये थ्री डैश टू फाइव डैश है ये फाइव डैश टू थ्री डैश है ये दो की बात हो रही है अब इनको कहते हैं ओका सा के फ्रेगमेंट्स और ये जॉइन किससे होते हैं ओको सा के फ्रेगमेंट्स ये थ्री टू फाइव फाइव टू थ्री ओको सा की फ्रेगमेंट्स और इनको ये जॉइन किससे होते हैं डी एन ए लाइगेज डी एन ए लाइगेज होता है इनको जॉइन कर देता है दोनों को आगे देखते हैं डी एन एप्लीकेशन में डी एन ए पॉलीमलेज कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ये खुद खुद नहीं कर सकता है मतलब इसका ब्रीफ दो तो ये कब ये काम खुद नहीं कर सकता है ठीक है तो इसको इनिशियली किसी कोई और करेगा हेल्प ठीक है थीके? जो एक डिफरेंट डेफिनेट रीज़न होता है एक में जहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो वहाँ उस जगह को हम कहते हैं ओरिजिन औरीज, ऑफ और एप्लीकेशन इसका एक पूरा चार्ट के टाइप में आपको बताऊँगा मैं अगली वीडियो में अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसे ही है ना तो यहाँ पे एक वो होती है स्पेस होती है ओ आर आई जिसे इधर गए इधर होती है इधर नहीं, नहीं सॉरी ये होता है ऐसे इधर ओ आर आई होता है और यहाँ से यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है ठीक है उसकी इस जगह कहते हैं ओरिजिन ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ओ जो भी कह लो आप मतलब यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होता है ड्यू टू दिस एक्सपायर पीस अब देखो अब जो हमारा ये है ना इस रिक्वायरमेंट की वजह से कि ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन हमें एक वैक्टर चाहिए होता है मतलब ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन से स्टार्ट होगा तो हमें एक वैक्टर चाहिए होता है वहाँ तक वो काम पहुँचाने के लिए अब वेक्टर प्रोवाइड करता है हमारा ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ठीक है तो देखिए इस वीडियो में तो इतना ही ये बहुत छोटी वीडियो थी अब अगली वीडियो में आपको और बताऊंगा मैं सो इफ यू लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो दो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियो यू कैन जॉइन आवर यू कैन जॉइन अवर लिंक टेलीग्राम चैनल फ्रॉम हेयर टी डॉट मी स्लेश्जाम्स रोड एंड फॉलो आवर सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉर मोर अपडेट्स and you could comment below on which topic do you want next short trick video or conceptual video for the time being see you examsro.com bringing excellence to students thank you and have a nice day